हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में नवंबर 2023 एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंट है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट में, वो मैं बताने वाला हूँ। मेरा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपका 60+ आना एकदम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 60% का गारंटी हम आपको एडवांस अकाउंट्स में देते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे उससे सिमिलर या सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वो 60% से ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मेरा जो भी एनालिसिस है वो ICAI के पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। ओके, एंड आप अगर मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको ICAI के मटेरियल का किसी और सम्स या RTP MTP को कुछ नहीं करना है। आपका आपके एग्जाम में 85+ का मैच करेगा। ओके, और 60% प्लस का हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, ऐसे ही गारंटी हम बाकी भी सब्जेक्ट में देते हैं, जो ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट हैं एंड ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट में 60% प्लस का गारंटी है। और मई 2023 में भी मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट के मैंने दिए थे, जिसमें किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंट मैच किया, जिसमें लॉ जो है ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में FMECO में 100% मैच किया एंड बाकी सब्जेक्ट में कितना परसेंट मैच किया वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मोर देन 60% हर अटेम्प्ट में मैच किया है और मई 2023 में भी मैच किया है, नवंबर 2023 में भी करेगा। तो मैं आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ कि ग्रुप 1 के अकाउंट्स में 75%, लॉ में 100%, कॉस्ट में 70%, टैक्स में 80% मैच किया एंड उसके बाद ऑडिट में जो ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स का वीडियो जो आप अभी देख रहे हो उसमें 95%, ऑडिट में 75%, EIS SM में दोनों में 60-60% एंड FMECO में 100% मैच किया। तो आपने देखा कि हमेशा 60% से ज़्यादा ही मैच किया और CA के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बस 50% आना रहता है। तो अगर आपका मोटिव पास होना है तो आप सही जगह आए हो, आप सही वीडियो देख रहे हो और बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेकर के सेम आप उसको पूरा कंप्लीट करके आप अपने ग्रुप को क्लियर करके सीए फाइनल में आ सकते हो। ठीक है, दो तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बताना है। पहला बात कि आपके पास मई 2023 वाला जो स्टडी मटेरियल है वो, या नहीं तो उसके दो तीन अटेम्प्ट पहले यानी मई 2022 से मई 2023 के बीच का स्टडी मटेरियल जो सीए इंस्टीट्यूट के साइट पे है वो होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको ICAI के साउथ मतलब साइट से जो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है ना वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप जहाँ भी ट्यूशन लिए हो, अगर आप मई 2022 के बाद लिए हो तो आपको उनके मटेरियल में वो सारा सब देखने को मिल जाएगा जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ओके, अब अगर उसके पहले का स्टडी मटेरियल है तो आपको सीए इंस्टीट्यूट के साइट से ही डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। एग्जैक्टली वो पेज नंबर बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊंगा या टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स आपको मैं रेफर करूंगा कि ये वाला करना है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप उनको हिंदी में कहीं भी कुछ इशू होता है तो इस बार हम आपको PDF में टिक करके दिखाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो टिक मार्क्स उनको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ इशू हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली हम उनको व्हाट्सएप पे इंग्लिश में रिकॉर्ड करके वो वाले पार्ट को इंग्लिश में वॉइस नोट भेज देते हैं। एक और बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि जैसे मैंने मई 2023 एग्जाम में सभी स्टूडेंट का एग्जाम के टाइम में एग्जाम से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले जो उनका डाउट रहता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं और बहुत सारा डाउट आ रहा है और उस डाउट के साथ वो अकेला फील कर रहे होते हैं, वो खुद सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो डाउट उनको खुद अकेला सॉल्व नहीं करना है और वो डाउट को डाउट ही नहीं रहने देना है, उनको बस मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट को भेज देना है कि हाँ मेरा ये डाउट है, हम विद इन आधा घंटा विद इन 30 मिनट उनका सारे डाउट को सॉल्व करके देंगे। जैसे मई 2023 एग्जाम में हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट सॉल्व किया और सभी के एग्जाम पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, उनका जो स्कोर मार्किंग था वो बढ़ गया उसके वजह से और सभी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो नवंबर 2023 वालों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि उनका सारा डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे सॉल्व करेंगे, बस उनको अपने डाउट का स्क्रीनशॉट जो बुक में है वो उनको फोटो लेकर के स्क्रीनशॉट भेजना और हम लोग उनको जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा समझाने का
वो समझाएंगे या तो कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू उनको उनके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम केस में हम उनको कॉल करके ही सारा कुछ समझाएंगे। तो आप एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, हम आपके डाउट सॉल्विंग के साथ हमेशा खड़े हैं। एग्जाम के एक मिनट पहले तक हम आपके साथ हैं। आपको अपना सारा डाउट मेरे से शेयर करना है और सारे जो है वो मतलब डाउट को सॉल्व करके अपना टारगेट जो आप सेट करोगे, एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करना है कि 90 प्लस लाना है, 85 प्लस लाना है, तभी जाकर के आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हो। तो चलो अब जो है मेरे को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है वो हम शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको बताना है। और आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो May 2022 या ऑनवर्ड्स वाला होना चाहिए। और एवरी चैप्टर में हम आपको वेटेज भी बताएंगे कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, ताकि आपको पता चल जाए कि उस चैप्टर को कितना जो है उस चैप्टर के पीछे टाइम देना है, ये हम आपको वेटेज बता देंगे। हाँ तो चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। इसके लिए जो है ना आपको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है ऐसा, ये चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो आपको सम्स करके जाना है, जो आपको सम्स करना है वो भी हम आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाएंगे। ये चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ही सम्स है जो आपको करके जाना है, और ये चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपके आपके नवंबर 2023 एग्जाम में डेफिनेटली सम्स आएगा। जैसे हम आपको ये गारंटी देते हैं कि नवंबर 2023 वाले एग्जाम में AS19 पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, AS26 पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंड हाई चांस फॉर 24 एंड 20 नंबर AS आल्सो, ओके। मगर गारंटीड 19 एंड 26 में आपको सम देखने को मिलेगा। तो आपको जो है वो अब कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मैं अभी दिखाऊंगा, मगर अभी आप देख लो कि AS19, 24, 26 एंड 20 नंबर AS इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये जो कुछ AS यहाँ पे हम लिखे हैं AS29, AS20, AS14, 4 एंड 5, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी मैं आपको कुछ सम्स दिखाऊंगा, सेलेक्टेड सम्स, वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी करके जाना है। वो इसलिए करना है कि CA इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है उसमें 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी होते हैं। जो चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो मैं यहां पर जितना बता रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसी में से रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो कुछ आपका क्वेश्चन रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो भी मेरे ही बताए हुए जो मैं यहाँ पे इतना बता रहा उसी में से वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसी में से वो भी कवर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1 दोनों ही सेफ हो जाएगा, और आपको जितना क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको सिर्फ उतना ही करना है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 4 कर सकते हो आप, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो आप जो क्वेश्चन 2 से 6 तक करोगे, अगर आपका क्वेश्चन 6 में ज्यादा क्वेश्चन आपको आता रहेगा तो आप क्वेश्चन 6 ऑफ कर लेना, क्योंकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो जाएगा मेरे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको कंपलसरी वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद हम आपको नीचे वाला का क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, और हम एवरी क्वेश्चन में टिक करेंगे, तो जिससे जो साउथ इंडियन स्टूडेंट है उनको वो टिक मार्क से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, उससे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आपको पेज नंबर 81 में आना है। 81 नंबर पेज में जब आप आओगे तो वहां इलस्ट्रेशन आपको सबसे पहले पेज नंबर 81 में आना है, 81, ओके। 81 नंबर पेज में जब आप आओगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा जो इंपॉर्टेंट है AS19 के। सबसे पहले हम आपको AS19 का इंपॉर्टेंट बोलते हैं, आपको स्क्रीन पर टिक मार्क दिख रहा है, ओके। तो ये टिक मार्क जो है ना ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप चले जाइए 85 नंबर पेज में चले जाइए, और यहाँ पर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो मैंने पहले से टिक मार्क करके रखा है आप लोगों के लिए, ओके। वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड 93 नंबर पेज में चले जाइए भाइयों एवं बहनों, 93 नंबर पेज, ओके, उसमें आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करना है आपके नवंबर 23 वाले एग्जाम के लिए। एंड 156 नंबर पेज में चले जाइए, और ये सारे सम्स आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़े हो वहाँ वाले सर के मैथ में आपको जरूर दिखेगा,
आप वहाँ वाले मैट में भी मार्क कर लेना, क्योंकि उनके मेथड से आप ज़्यादा फैमिलियर हो गए होगे तो आप उनके मेथड से एग्जाम में करना, मगर ये सारा सम्स उनके मैट से आपको करना है। और अगर उनके मैट में ये सब सम्स ना मिले तो आपको सी ए इंस्टीट्यूट के मैट से करके जाना है, और किसी क्वेश्चन का आंसर आपके सर ने नहीं करवाया क्योंकि उनके मैट में कवर नहीं है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं आपको कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आपको ऑडियो भेज करके मैं आपको समझा दूंगा और एकदम बेस्ट वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो आपका ये भाई आपके आपके एग्जाम के एक मिनट पहले तक आपका सारा डाउट सॉल्व करेगा, इस बात का आपको एडवांटेज उठाना है। मेरे को बस आपसे इतना ही चाहिए कि आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, इसके लिए आप अपना बेस्ट दे दो, आप अपना पूरा कर्म अच्छे से कर लो, ठीक है। एग्जाम का रिजल्ट बेस्ट होगा ही होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से एफर्ट अपना पूरा देते हो, ठीक है। हम आपके हमेशा साथ हैं, इस बात को दिमाग में एकदम बिठा लो कि आपका डाउट जो है वो आपके लिए प्रेशर नहीं बनना चाहिए। उस टाइम आप ऐसे समझो कि आपका सारा डाउट आप मेरे को दोगे, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाइए AS24 में आ जाइए, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको 154 नंबर पेज में आना है, और 154 नंबर पेज में जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 154 नंबर पेज में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी इज इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम फ्रॉम AS24, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड 2 रोमन जो है ना, ये आपको करना है 1 एंड 2 नंबर। उसके बाद AS24 के दो क्वेश्चन आपको और करने हैं, जिसके लिए हम आपको आरटीपी का वो क्वेश्चन अभी शो कर रहे हैं स्क्रीन पे। आपको जाना है आरटीपी May 21 में, देखो सीए इंस्टीट्यूट के साइट पे लास्ट 4 अटेम्प्ट का आरटीपी अवेलेबल रहता है। अगर आपको आपके पास वो आरटीपी नहीं हो जो आरटीपी हम यहाँ स्क्रीन पे शो करेंगे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में बोल देना। अगर आपको इजीली ना मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मांग लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे तुरंत भेज दूंगा। आपको जिस अटेम्प्ट का आरटीपी चाहिए होगा उस अटेम्प्ट का नाम और सब्जेक्ट का नाम भेज देना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आरटीपी चाहिए आप मेरे को भेज देना, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आपको May 21 आरटीपी में आना है, और पेज नंबर 15 में जाना है, पेज नंबर 15, और उसका क्वेश्चन नंबर 19A जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 19A, ओके, आरजू लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको November 21 आरटीपी में जाना है, और उसके November 21 आरटीपी के पेज नंबर 14 में जाना है आपको, पेज नंबर 14, और पेज नंबर 14 में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 19A जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा AS24 के ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आप आगे आ जाइए, आपका AS24 खत्म हो चुका है, अब आप आ जाइए AS26 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। उसके लिए आपको सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में फिर से आना पड़ेगा, और 136 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा, देखो स्क्रीन पे ये ABC लिमिटेड वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 137 नंबर पेज में चले जाइए, 137 नंबर पेज यानी अगले पेज में चले जाओ, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। एंड फिर उसी पेज में आप नीचे आ जाओ, और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप 155 नंबर पेज में चले जाओ, और वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम, जो AS26 से रिलेटेड है, स्विफ्ट लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना। और फिर 156 नंबर पेज में चले जाओ, और उसके लिए 156 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 160 में आपको जाना है, पेज नंबर 160 में आपको जाना है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 दिखेगा, ये जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको AS26 का इतना सम्स करना था जो मैंने मार्क करा दिया। फिर अब आ जाइए आपको हम AS20 का बताते हैं। AS20 के क्वेश्चन को जानने के लिए आपको 100 नंबर पेज में जाना है, 100 नंबर पेज में जाना है, और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा आपको, ये क्वेश्चन आपको करना है जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा है, ओके। आपके सर वाले मैट में भी आपको मिल जाएगा, जब भी आप ट्यूशन पढ़े हो तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट टीचर, उनके स्टडी मटेरियल में ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, क्योंकि अगर वो कवर नहीं किए हो या ICAT स्टडी मटेरियल को वो फॉलो नहीं करते हो, तो आपको CA इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करना है,
और किसी भी क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, हम आपके साथ हमेशा हैं। आ जाइए फिर आप 159 नंबर पेज में आ जाइए और वहां पर आपको AS20 का क्वेश्चन नंबर 14 दिखेगा, जो आपको करना है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है, ठीक है। तो टोटल दो क्वेश्चन AS20 से करना था, जिसके साथ कंपलसरी क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सम्स आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करके जाने हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जिसके लिए आपको पेज नंबर 154 में आना है। वहां पे आपको AS14 का क्वेश्चन दिखाएंगे, AS14 का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपको करना है फ्रॉम AS14 द सिंगल क्वेश्चन, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है। फिर आप आ जाइए AS22 में, आपको क्या करना है उसके लिए आपको 113 पेज में जाना है और यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अगले पेज में चले जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर थ्री, ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम। किसी भी क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ये बार बार इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आप हल्का भी प्रेशर नहीं लो एग्जाम के टाइम में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 115 नंबर पेज में जाना है, 115 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ओमेगा लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 157 नंबर पेज में चले जाओ और क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम फ्रॉम AS22, ओके। एंड अब चले जाइए AS29 में क्या इंपॉर्टेंट है, AS29 के इंपॉर्टेंट बताने के लिए हम आपको आरटीपी ऑफ मे 23 में जाने के लिए बोलेंगे। आरटीपी मे 23 का पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 20 का भी ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ये टिक मार्क की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो ये मैंने टिक मार्क हटा दिया, अब आप देखो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है AS29 का। उसके बाद आपको आरटीपी मे 22 में जाना है, आरटीपी मे 22 का पेज नंबर 17 में जाना है, पेज नंबर 17 में जाना है, 17 में चले जाइए और वहां पर आपको जो है वो AS29 का क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, पेज नंबर 17 में AS29 का क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सी है जो आपको करना है। अब ये AS29 का क्वेश्चन खत्म हो गया, दो क्वेश्चन ही था। अब आप आ जाइए AS4 में, क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। AS4 के लिए ये सेम आरटीपी में पेज थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, पेज नंबर 13 में चले जाओ, ठीक है, पेज नंबर 13 में चले जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और नवंबर 23 एग्जाम के लिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये नवंबर 23 के लिए इंपॉर्टेंट है। आरटीपी मे 22 में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 13। फिर आप आ जाइए आरटीपी नवंबर 22 में चले जाइए, नवंबर 22 के आरटीपी में पेज नंबर 13 में जब आप जाओगे और क्वेश्चन नंबर 12 जब आप देखोगे तो वो भी आपको करना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ओके। अब आप आ जाइए AS4 का, आपको मैंने दो क्वेश्चन दिखाया, अब आप कुछ और क्वेश्चन आपको AS4 का करना पड़ेगा, जो ICA का स्टडी मटेरियल में आपको आना है, CA का स्टडी मटेरियल में आ जाओ। AS4 में जो बाकी कुछ और सम्स हैं जो आपको करना है फ्रॉम ICA का स्टडी मटेरियल, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसके लिए आपको पेज नंबर 9 में आना है। 9 नंबर पेज में जब आप आओगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आपको AS4 का क्वेश्चन, ये वाला आपको यहां से करना पड़ेगा। और अगले पेज में जब आप जाओगे तो आपको 6 and 7 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, वो भी दोनों आपको करना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये दोनों भी आपको करना है, ओके। AS4 इसी के साथ खत्म होता है। अब लास्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है AS5 और उसमें सिर्फ दो क्वेश्चन आपको करना है और वो दोनों क्वेश्चन आरटीपी से है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आरटीपी नवंबर 2021 से है, नवंबर 21 का जब आप आरटीपी ओपन करोगे तो पेज नंबर 12 में आपको जाना है। पेज नंबर 12 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ए करना है, 13 का ए, ओके, आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ये देखो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये 13 का ए नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करना है, ओके। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है आरटीपी से, वो आरटीपी नवंबर 22 से है, नवंबर 22 से, उसके लिए आपको पेज नंबर 14 में जाना है आरटीपी नवंबर 22 के,
और पेज नंबर 14 में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बेला लिमिटेड वाला क्वेश्चन, 13A नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आप आ जाइए, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पूरा खत्म हो गया, अब हम आपको बताते हैं कि जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पार्टनरशिप, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। देखो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम इस चैप्टर का हिस्ट्री आपको बताएंगे। हिस्ट्री आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स का पूछता है और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पूछता है। इंस्टीट्यूट इस चैप्टर को 10 से 15 मार्क्स तक का पूछा हुआ है और एक बार 20 मार्क्स का भी इस चैप्टर से पूछा हुआ है। ओके, अब आप अच्छे से समझो इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है वो हम आपको बताते हैं। डिजोल्यूशन है, एडमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यूजिंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड या हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड है, रिटायरमेंट है और डेथ पे समझा। ठीक है, अब जो मई 2023 वाला एग्जाम था उसमें पीसमेल जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मगर सी एन शूट ने मई 2023 में दो क्वेश्चन थ्योरी का पूछा 5-5 मार्क्स का। ओके, एंड नवंबर 2023 के लिए पीसमेल फिर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पीसमेल का हम आपको चार क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाएंगे, जो दिखाएंगे आपको वो चारों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपने कमांड में कर लेना। ठीक है, जिससे आपका वो पूरा आपके कमांड में हो जाएगा और पीसमेल ही आने का मैक्सिमम चांस है पार्टनरशिप से। और आपका मान के चलो 15 नंबर का आता है या 20 मार्क्स का आता है, जितने भी मार्क्स का आएगा वो आपका पूरा फुल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था, चलिए हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आपको पीसमेल का कौन कौन सा समझ करके जाना है। उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 31 में आना है, 31 पेज नंबर में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, जिसके लिए मेरे को आपको कुछ बात बताना है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। आप अच्छे से सुनो, देखो हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, मई 2023 में जो हम लोग टेस्ट किए थे तो उसमें हम ये वाला क्वेश्चन पूछे थे और उसमें ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से सॉल्व किया, जो कि गलत है। और सभी का ये कहना था कि क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं हुआ है कि कौन से मेथड से करना है, तो हम हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड ही तो यूज करेंगे। ठीक है, उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उनको हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज करना है, और अगर मेंशन कर दिया तो जो भी मेथड मेंशन किया उस मेथड से आपको पीसमेल के सम्स को करना है। मगर ये द वन एंड ओनली ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के लास्ट लाइन में अगर आपको ये वाला लाइन दिखेगा, सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ये लाइन आपको दिख जाएगा, तो इस लाइन के दिखने का मतलब है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड ही यूज करना है, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड मत यूज करना। मेरा आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइन को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आपका आधा घंटा के आसपास लगेगा इसके सम्स को करने के लिए, 25 मिनट से आधा घंटा, और आपको मार्क्स मिलेगा 0, तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा लॉस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप इस बात को दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा तो हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड ही करते हैं। एग्जाम में 90% से ज्यादा चांस है कि वो मेथड जरूर बोल देंगे, और अगर नहीं बोले और वो थोड़ा चालाकी के साथ क्वेश्चन ये वाला सेट किया और इसमें जो ये लाइन यूज किया गया, अगर वो ये लाइन एग्जाम में यूज कर लिए तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही करना है, पूरा दिमाग में बिठा कर रखना। ठीक है, अब आप आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको 35 नंबर पेज में जाना है, 35 नंबर पेज में, चलो हम आपको दिखाते हैं 35 नंबर पेज। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है 35 नंबर पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए 39 नंबर पेज में, और 39 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 42 नंबर पेज में, और वहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में, दिख रहा होगा ये 10 नंबर इलस्ट्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कर लेना, क्योंकि इसमें एक माइनर पार्टनर का बात है, माइनर पार्टनर को जब सभी पार्टनर को पैसा देने का टाइम आता है तो माइनर वाले पार्टनर को थोड़ा सभी पार्टनर से पहले देते हैं, उनको उसमें प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो ये माइनर वर्ड पर थोड़ा ध्यान रखना, माइनर पार्टनर वाला ये सम्स है, पीसमील का सम्स है, और ये नीचे का जो तीनों मैंने बोला इलस्ट्रेशन 8, 9 और 10 ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड पे है, और ऊपर जो 7 बोला था वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड पे था। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के उस लाइन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड का मतलब हम आपको एक बार बता दें कि हर बार जब पैसा रियलाइज होता है उस टाइम अगर ये मान लिया जाए कि उसके बाद पैसा रियलाइज होगा ही नहीं, कुछ नहीं बिकेगा, कुछ पैसा नहीं आएगा,
तो उस टाइम ही पार्टनर्स का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ये कैलकुलेट कर लेना, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड है। और जब आप सम्स भी सॉल्व करते हो तो इच रियलाइजेशन के बाद ही आप लॉस का अमाउंट निकाल दो कि सभी पार्टनर का को कितना मिला, कितना उनका लॉस हो रहा है। तो वो उस लाइन का मतलब ही वो वही बोलना चाह रहा था क्वेश्चन में जो बोला ना, सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। इसका मतलब होता है कि ईच स्टेज में आप बताइए कि कितने पैसे पार्टनर्स को मिले कितने नहीं मिले। इसका मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यूज करना, और इंस्टीट्यूट बिल्कुल ही वो सही लाइन यूज किया। आपको भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट के साथ कुछ भी वो नहीं सोचना है कि हाँ ये लाइन पूछ के वो मेरा मार्क्स कटवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो करेक्ट लाइन है। और आपको भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड ही यूज करना है अगर उस लाइन को आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो। आ जाओ हम आपको बताते हैं पीसमील के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनरशिप चैप्टर में। तो पीसमील के अलावा एक सम्स ऐसा है जो पेज नंबर 21 में आपको जाना पड़ेगा, और उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको पेज नंबर 21 में दिखेगा, अमल एंड विमल वाला। इस केस में क्या होता है कि सारे पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, किसी भी पार्टनर के पास पैसे वैसे नहीं है, तो तब डिफिशियंसी अकाउंट खुलता है। दैट इज कॉल्ड ये वाला इस टाइप का सम्स, द वन एंड ओनली सिंगल सम्स है जिसमें डिफिशियंसी अकाउंट खुलता है, और आपको इस सम्स को भी प्रैक्टिस करना है। अब आप आ जाइए यूनिट 2 में। यूनिट 2 देखो यूनिट 2 में जाने से पहले हम आपको एक और क्वेश्चन बोल देते हैं जो आपको करना है। पेज नंबर 28 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको करना है, जहाँ एक पार्टनरशिप दूसरे पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 26 नंबर पेज में आपको दिख रहा है, यस तनीस एंड रुचिका वाला सम जो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 88 में आ जाइए, जहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। पेज नंबर 88 जो 88 में चले जाओ, पेज नंबर 88 जहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ओके स्क्रीन पे भी आपको अभी दिख रहा होगा। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, हरिलाल एंड जय वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 92 नंबर पेज में चले जाना है, 92 नंबर पेज में जहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको दिखेगा। और इतना क्वेश्चन अगर आप पार्टनरशिप से कर लेते हो तो आप पूरे सेफ हो गए पार्टनरशिप में, इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब एक थ्योरी भी है एलएलपी टॉपिक से, थ्योरी एक अटेम्प्ट में आता था, एक अटेम्प्ट में नहीं आता था। और सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 22 और मई 2023 तीन दोनों ही अटेम्प्ट में कंटिन्यू दोनों अटेम्प्ट में 5-5 मार्क्स का थ्योरी पूछ दिया है इस टॉपिक से। तो एलएलपी का थ्योरी वाला टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। आपको प्रैक्टिकल जितना मैंने दिखाया वो आपको करना है। इसी के साथ हम आपको बताते हैं चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 जो अपना ईसॉप चैप्टर है उसमें हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको करके जाना चाहिए, क्या नहीं करना है। ईसॉप में इलस्ट्रेशन नंबर 2 से इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक आपको करना है इलस्ट्रेशन, उसके अलावा जो इलस्ट्रेशन 1 एंड 7 है वो आपको नहीं करना है। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आपको 2 नंबर जो इलस्ट्रेशन करना है वो क्या है। एक्चुअली इस चैप्टर से जो सम्स आता है वो 5 मार्क्स का आता है, और एक बार सी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 10 मार्क्स का सम्स पूछ दिया, बाकी सभी एग्जाम में 5 मार्क्स का ही आया है। आप अपने एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का ही एक्सपेक्ट करके चलो, हो सकता है कि 10 मार्क्स का भी आ जाए, मगर 5 मार्क्स का ही समझ के चलो आपके एग्जाम के लिए। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना जो आपको स्क्रीन के ऊपर में भी दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको करना है, ठीक है ना। अब आप आ जाइए सीधा आ जाइए आप इलस्ट्रेशन नंबर जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको अगले ही पेज में नेक्स्ट वाले पेज में जब आप आओगे नेक्स्ट के नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ओके यानी पेज नंबर 23 में इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखने को मिलेगा आपको। अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है ना वो भी हम आपको दिखाते हैं, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 24 में, ओके इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है अजंता ग्रांट्स वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप आ जाइए 5 नंबर इलस्ट्रेशन आपको दिखेगा भाइयों और बहनों, 25 नंबर पेज में आपको आना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको यहाँ पे दिखेगा। कोई भी एक भी सम्स को मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला उसको छोड़ना नहीं है। 26 नंबर पेज में जब आप जाओगे, 26 नहीं उसके बाद वाले पेज में जाओ, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 ढूंढना है एक्चुअली। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए आपको आना है 28 नंबर पेज में, और यहाँ पर आपको चॉइस लिमिटेड वाला दिख रहा है, चॉइस लिमिटेड वाला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके नवंबर 2023 एग्जाम के, ठीक है। अब आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 एंड 7 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड जब आप टेस्ट योर नॉलेज में जाओगे जो कि आपको पेज नंबर 34 में मिलेगा, तो टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
बाकी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 4 और 5 बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। ओके चलो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, अब आप आ जाइए सीधा जल्दी से आ जाइए चैप्टर नंबर 4 जो कि है बायबैक चैप्टर। बायबैक चैप्टर सिर्फ बायबैक बोलना थोड़ा सा अपराध हो जाएगा क्योंकि बायबैक एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट दोनों ही मिलकर के चैप्टर बनाया है और दोनों ही चैप्टर से सम्स एवरी अटेम्प्ट में आता है। बायबैक से 10 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में सम्स आता है। एक बार जुलाई 2021 के एग्जाम में इस चैप्टर से बायबैक से 15 मार्क्स का सम्स आया और नवंबर 2022 में बायबैक से सिर्फ 5 मार्क्स का सम्स आया, बाकी सभी अटेम्प्ट में 10-10 मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट में पूछा है। मे 18 के बाद का बात करें तो क्योंकि मे 18 में आईपीसीसी से इंटरमीडिएट हुआ था तो सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो उसके बाद से बात करें तो 10-10 मार्क्स का ही आया है। जो दो अटेम्प्ट मैंने मार्क्स अलग से मेंशन किया उसमें अलग अलग मार्क्स का है, एक बार 15 मार्क्स का एक बार 5 मार्क्स का। ठीक है, आपके नवंबर 2023 के लिए इस चैप्टर को आप मान के चल सकते हो 10 मार्क्स का, 10 ही इनफ है। ठीक है, और 10 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इस चैप्टर से। और आपको मैं जो स्क्रीन पर दिखाऊंगा सब वो अगर आप सारा कर लोगे, ठीक है, 10 मार्क्स आप मान के चलो जो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो सारा अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है वो 10 मार्क्स का सम्स भी सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन करके जाना है। जिस इलस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वो आपको नहीं करना है, ठीक है, तो अलग से मत पूछना व्हाट्सएप पे। कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये पूछते थे कि ये आप शुरुआत ये नहीं करना है, कि भाई नहीं बोले तो नहीं करना है। ठीक है, जितना बोल रहे हैं उतना करो, 60% का गारंटी है और आपको 60 से ज़्यादा अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके, आप सारे इंपॉर्टेंट को करो और फिर कहीं भी फंसोगे तो मेरे को बोलो, हम आपके साथ हैं। आ जाइए पेज नंबर 10 में, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज टू इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिखेगा। है बायबैक का ही क्वेश्चन, बायबैक का ही क्वेश्चन है मगर इसमें प्रेफरेंस शेयर का भी रिडेम्पशन हुआ है। अब आप आ जाइए 17 नंबर पेज में, 17 नंबर पेज में आ जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा जो ईसॉप पे क्वेश्चन है, ईसॉप एंड प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और उसके बाद आपको करना है बस आपको करना है एक और क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको 38 नंबर पेज में दिखेगा। ठीक है, 38 नंबर पेज में दिखेगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 38 नंबर पेज में ये आपको करना है और बस इसी के साथ आपको 3 ही क्वेश्चन करना है बायबैक से। एक और बात मुझे बताना था कि जब आप क्वेश्चन नंबर 5 में, जब आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जाओगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 में जाओगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऊपर दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, ये इसका और इलस्ट्रेशन नंबर 5 का दोनों का शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें कौन सा आइटम नहीं लेंगे, ये मुझे बताना था आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा, आप पलट के देख लेना, रीवैल्यूएशन रिजर्व शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने में नहीं लेते हैं और यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो नहीं लेते हैं। तो क्या लेते हैं शेयर होल्डर फंड में, क्या नहीं लेते हैं, उसको अच्छे से देख लेना। कई बार सी इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाने के लिए वो कुछ उत्पटान सा आइटम दे देता है जो अपने स्टडी मटेरियल में वो कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ रहता है, मगर सभी क्वेश्चन का अलग अलग आइटम को उठा करके, यूनिक आइटम को उठा के पुट कर देता है, जिसकी वजह से आपका शेयर होल्डर फंड गलत हो सकता है। शेयर होल्डर फंड गलत का मतलब पूरा सॉल्यूशन गलत, पूरा सॉल्यूशन गलत का मतलब कुछ भी मार्क्स नहीं मिलता। तो आप देख लेना शेयर होल्डर फंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है और प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेश्चन ही बोला। अब इसी के साथ बायबैक तो खत्म होता है, मगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशियल वोटिंग राइट ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, 41 नंबर पेज में आओगे, 41 नंबर पेज में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट वोटिंग राइट पे क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट से रिलेटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नवंबर 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पेज नंबर 41 में दिखेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से करना है। कुछ और क्वेश्चन है डिफरेंशियल वोटिंग राइट का, 2-3 थ्योरी का क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 37 नंबर पेज में जाना है,
37 नंबर पेज, और आपको वहां पे सब क्वेश्चन दिखेगा। देखो 37 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है ना, ये आ चुका है मई 2023 में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मैंने मई 2023 के लिए इंपॉर्टेंट बोला था और उसमें ये आ चुका है 5 मार्क्स का। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन 2 करना है जो कभी भी नहीं पूछा, सी एंड स्टूट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है जिसे सी एंड स्टूट ने दिसंबर 2021 एग्जाम में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को पूछ रखा है, फिर भी आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में सी एंड स्टूट ने पूछा था दिसंबर 2021 में, आपके नवंबर 2023 के लिए ये क्वेश्चन 3 एंड 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन 2 तो कभी पूछा ही नहीं, यूनिक है, मतलब अलग है, कभी नहीं पूछा, आपको करना है ये 3 क्वेश्चन थ्योरी का। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 5 जो अमल कमीशन है, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम जल्दी जल्दी से आ जाओ अमल कमीशन चैप्टर। देखो अमल कमीशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम आपको हिस्ट्री इसीलिए बताते हैं किसी भी चैप्टर का, ताकि आप अपना टाइम उसके पीछे वेस्ट ना करके मेरे इतने मेहनत का आप पूरा फायदा उठाओ, आप समझो कि क्या इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है, ठीक है। इससे हजारों बच्चे पास किए, पिछली बार कम से कम 10,000 स्टूडेंट मेरे इस वीडियो का पूरा फायदा उठा है, ठीक है, ओके। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सेंटर के थे, बहुत हमारे स्टूडेंट के फ्रेंड थे, बहुत सारे यूट्यूब वाले थे, बहुत सारे थे, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपको हम ये ट्रेंड बताते हैं तो आपको पूरा अच्छे से उसका पालन करना है, ठीक है। जैसे अमल कमीशन चैप्टर का मैं आपको अगर ये बताऊं तो अमल कमीशन चैप्टर जो है वो सीए इंस्टीट्यूट इसको 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक का पूछ रखा है, ठीक है। अमल कमीशन चैप्टर एक समय था जब अमल कमीशन चैप्टर एक अटेम्प्ट में आता था, दूसरे अटेम्प्ट में वो नहीं आता था, ठीक है। अमल कमीशन चैप्टर जैसे मई 18 में जब नया नया सिलेबस रिवाइज हुआ तो अमल कमीशन आया, फिर नवंबर 18 में अमल कमीशन नहीं पूछा और इसके जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा, ठीक है। अब अमल कमीशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है दोनों मिलता जुलता टॉपिक है, मिलता जुलता का मतलब हुआ कि सीएनसू एक बार इसको पूछता है, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को पूछता है, फिर अगले अटेम्प्ट में अमल कमीशन पूछता है, फिर उसके अटेम्प्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को पूछता है, ठीक है, ओके। कहने का मतलब है कि मई 18 में अमल कमीशन आया, नवंबर 18 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया, अमल कमीशन नहीं आया, फिर मई 19 में अमल कमीशन आ गया और नवंबर 19 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया, लेकिन उसके बाद जो 5 एग्जाम हुआ नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, ये पांचों अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट ने अमल कमीशन ही पूछा, बीच में 5 मार्क्स का कभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी पूछा है, मगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पूछने के साथ साथ सीए इंस्टीट्यूट अमल कमीशन भी पूछा, तो सीए इंस्टीट्यूट अमल कमीशन को कंटिन्यू 5 बार पूछा। फिर जब हम वीडियो नवंबर 2022 के लिए बनाए तो हम बोले कि देखो 5 अटेम्प्ट से अमल कमीशन पूछ रहा है, अमल कमीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से करके जाना और उसके मैंने सब स्क्रीन पे शो करके दिखाया कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। नवंबर 2022 का एग्जाम हुआ और उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा, काफी लोगों ने उसका फायदा उठाया और उनका अच्छा खासा मार्क्स एडवांस अकाउंट में उठा, बहुत का तो ग्रुप क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ एडवांस अकाउंट में अच्छे मार्क्स से उसमें उनका एग्रीगेट का हेल्प हो गया। फिर मैंने वीडियो बनाया मई 2023 के लिए और उसमें मैंने बोला कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 20 मार्क्स का आ ही चुका है नवंबर 22 में, तो आपके एग्जाम के लिए अमल कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और अमल कमीशन को मैंने सारा बहुत सारे सम्स बोले थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम्स मैंने नहीं बोला था। अब अमल कमीशन मई 2023 में 20 मार्क्स का आ गया, ठीक है, तो उससे भी काफी लोगों का हेल्प हो गया, ठीक है। अब आपका जो नवंबर 2023 एग्जाम है उसके लिए हम आपको यही बोलेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके मैं आपको जो भी सम्स दिखाऊंगा वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक भी सम्स आपने अगर मिस करा तो ये आपका मिस्टेक होगा और एक तरह से मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, उसका सारा सम्स करना जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मगर अमल कमीशन चैप्टर के भी मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि सेफ्टी पर्पज के लिए, कभी कभी इंस्टीट्यूट जो है वो किसी एक ग्रुप के किसी ऐसा कभी कभी नहीं हर अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट किसी भी एक ग्रुप के किसी भी एक पेपर को बहुत हार्ड कर देता है, जिससे वो बच्चा जो है ना उसमें उसका एग्जाम खराब जाता है और वो फेल होता है बिकॉज ऑफ वो वाला सब्जेक्ट जिसको उसने बहुत हार्ड करके रखा हुआ था सीए इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर वो एडवांस अकाउंट्स को हार्ड करेंगे नवंबर 2023 में तो वो अमल कमीशन भी अगर फिर से पूछ दिए, क्योंकि वो मई में 20 मार्क्स का पूछे ही हैं और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं पूछ के फिर से अमल कमीशन ही पूछ दिए नवंबर में, तो वो किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछेंगे उस
क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट कर लें, इसलिए हम आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपको सिर्फ दो करना है। और इतना कुछ मैंने जो बोला है ये आपके लिए जानना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि देखो पढ़ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल, ये बस सिलेक्टेड क्वेश्चन को करो और जाओ एग्जाम में, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट 100% अपना 1.5 डेज में या एग्जाम से पहले 100% कवर करना इज नॉट पॉसिबल। उनको सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के ट्रेंड को समझ करके, आरटीपी को समझ करके सिलेक्टेड क्वेश्चन करिए और स्मार्ट तरीके से पास हो जाइए, ना कि 100% सिलेबस करने के चक्कर में आपका अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा है। और जो बहुत ऐसे टीचर हैं मार्केट में जो 100% सिलेबस बोलते हैं करने के लिए, जबकि उनको अच्छे से पता है कि सी इंस्टीट्यूट खुद जो करता है वो बच्चों को पहुँचाना चाहिए। सी इंस्टीट्यूट खुद अगर ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो हम वो ट्रेंड को समझ के आपको बता रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना है और आपको पास होकर के दिखाना है कि देखो मेरा कैपेबिलिटी जितना था उसमें मैं ये करके पास हो सकता था, 100% करने में थोड़ा टफ था। तो आप आ जाइए, आपको दो क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन मैं आपको करके जाने के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको 8 नंबर पेज में आना है, जहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंट्रेंसिक वैल्यू वाला है, आप कर लेना, अगर आपको समझ में कहीं भी आने में दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बार भी मत सोचना कि आपको हार्ड लग रहा है या जो भी, ठीक है, हार्ड लग रहा है आपको, हार्ड लग रहा है मेरे को तो हार्ड नहीं लग रहा है। हम आपके लिए, हम जितना तक समझते हैं हम आपके लिए वो समझ आपके दिमाग में डाल देंगे, ठीक है, आपको भी हार्ड नहीं लगने लगेगा। प्लीज मेरे इस बातों को अच्छे से मानना और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो पेज नंबर 40 में आ जाओ और इलस्ट्रेशन नंबर 8 विच इज आवर सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड आपको दो क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ ये दो क्वेश्चन है। जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो प्रिपेयर लेजर के ऊपर बेस्ड है और लेजर वगैरह बना लिए तो चलो डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिविजन इसी में हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने के वो। अब इसी के साथ हम आपको ये वाले चैप्टर के साथ हम आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। चलो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो 10-15 मार्क्स का आपके नवंबर 2023 एग्जाम के लिए एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं 10-15 मार्क्स का, 10-15 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में आने का चांस है, ओके। और आपको वो 10-15 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, चलो आ जाओ। उसके लिए आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 12 में आपको दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 12 में दिखेगा आपको, उसके लिए आपको पेज नंबर 12 में जाना है और इलस्ट्रेशन नंबर 3 वहां पे आपको दिखेगा जो आपको करना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपको 18 नंबर पेज में दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपको पेज नंबर 18 में दिखेगा, 18 नंबर पेज में चले जाओ और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा। फिर आप आ जाइए 5 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए, आप 23 नंबर पेज में आ जाओ, 23 नंबर पेज में आ जाओ 5 नंबर इलस्ट्रेशन के लिए और वहां पर आपको जो है इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेयर लिमिटेड वाला, ये एस, ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आना है पेज नंबर 27 में चले जाना है और वहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो वाइभव लिमिटेड वाला, ये इम्पोर्टेंट है। और 36 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है जो इनफ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, हाई चांस है आने के और आप इतना क्वेश्चन कर दोगे तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ आप आज ये लिक्विडेशन चैप्टर जो है वो सीए इंस्टीट्यूट जो है वो मई 2023 एग्जाम जो लास्ट हुआ है उसमें 5 मार्क्स का लिक्विडेशन चैप्टर पूछा, मगर हम आपको ये बोलते हैं कि आपका जो एग्जाम है नवंबर 2023 उसमें सीए इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मैक्सिमम चांस है 10 मार्क्स का पूछे और थोड़ा सा चांस अगर बढ़ाए, थोड़ा सा और अगर सोचें तो 15 मार्क्स तक का है, मगर 10 मार्क्स तक का तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये चैप्टर जो है वो 6 टॉपिक से मिलके बना हुआ है, 6 टॉपिक, और वो 6 टॉपिक कब कब किस किस अटेम्प्ट में आया है वो हम आपको एक बार बता दे रहे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। LFSA जो है ना, एक लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उस पर सी इंस्टीट्यूट ने मई 19, मई 2022 एंड मई 23 एग्जाम में पूछा।
रिसीवर्स स्टेटमेंट में नवंबर 18 में क्वेश्चन पूछा था रिसीवर स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बार भी नहीं पूछा है। मई 18 से जब से सिलेबस रिवाइज हुआ तब से लेकर मई 23 तक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो एक बार भी नहीं पूछा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद बी लिस्ट जो है वो मई 18 में आया, उसके बाद नवंबर 20 में आया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे सम्स नवंबर 20 नवंबर 22 में पूछा एंड लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन पे नवंबर 19 एंड दिसंबर 21 में क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट में पूछा। आपके नवंबर 23 एग्जाम के लिए प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना, नवंबर 2023 एग्जाम के लिए मैं आपको जितना क्वेश्चन बोलूंगा उसको अच्छे से कर लेना। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। लिक्विडेशन में जो भी सम्स आएगा वो इसी में से आएगा जो मैं स्क्रीन पर अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और कोई भी सम्स अगर आप नहीं कर पाओ तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि उसको स्किप कर देना, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप अपना सारा डाउट मेरे से पूछ लेना मगर आप स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो करने के लिए आपको 18 नंबर पेज में चले जाना है और 18 नंबर पेज में देखो, हम अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं दिखाएंगे स्क्रीन पर तो समझ लेना वो नॉट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिखाया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये बी लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बी लिस्ट पर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। 21 नंबर पेज में चले जाओ, 21 नंबर पेज इसमें जब आप आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब आप अच्छे से देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हम आपको इंपॉर्टेंट बोलेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो अगले मतलब नीचे में आपको दिख रहा है ये भी हम आपको इंपॉर्टेंट बोलेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी बोलेंगे। इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 6 में ये फर्क है कि इलस्ट्रेशन 5 में पर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो सेम है, 100 100 100 है, तो यहाँ पर कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, या यहाँ पर कैसे लॉस या डेफिसिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपको अच्छे से समझ लेना है कि कैसे करना है, उसका अलग मेथड है। और यहाँ इलस्ट्रेशन 6 भी इंपॉर्टेंट है मगर यहाँ पर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग है, 100 50 and 10 है, तो यहाँ पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का जो बात है वो अलग तरीके से है, वो आप अच्छे से समझ लेना। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि आप अकेले हो, आपके एग्जाम टाइम में एवरी सब्जेक्ट में आप मेरे से अपना सारा डाउट पूछ सकते हो। इंडिया के कम से कम 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं, तो आप समझ लो आपको भी अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब करना है और आपको आपके एग्जाम के लिए अच्छे प्रिपरेशन में जो है वो पूरा मतलब अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है कि चलो मैं अच्छा प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब आप आ जाओ 29 नंबर पेज में आ जाओ, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डर वाला, ठीक है। 29 नंबर इलस्ट्रेशन जो है ये आपका है रिसीवर्स स्टेटमेंट एंड LFS, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ये रिसीवर्स स्टेटमेंट और LFSA के ऊपर में क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। फिर आप 32 नंबर पेज में आ जाओ, 32 नंबर पेज में आ जाओ, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के एक क्वेश्चन हम सिंगल क्वेश्चन बोल रहे हैं करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट मगर अगर इंस्टीट्यूट बाय चांस पूछ दिया इसीलिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलते हैं जिसमें आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर पेज में आ जाओ, यहाँ पर आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे क्वेश्चन दिखेगा क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर में, ये क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम। और 51 नंबर पेज में चले जाओ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये आपको बी लिस्ट के ऊपर में क्वेश्चन है, आपके आपका जो टॉपिक है बी लिस्ट उसके ऊपर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, हम आपको ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम टाइम में किसी का क्लास नहीं लेते हैं, सिर्फ जो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं या इंडिया के बाहर जो दुबई या नेपाल जहाँ के भी हैं उनका जो डाउट होता है, ठीक है, जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट के अंदर के स्टूडेंट हैं उनका जो भी डाउट होता है उनके लिए हम एक भी स्टूडेंट का क्लास नहीं लेते हैं, सिर्फ उनके डाउट के लिए 24 आवर हम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। एग्जाम के 15 दिन पहले से और अप टू एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता एग्जाम तब तक हम किसी का क्लास नहीं लेते, सिर्फ आपके डाउट के लिए हम एकदम बैठे रहते हैं कि कब आप डाउट पूछोगे हम आपको आपका डाउट सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो बाकी टीचर जो है मार्केट में वो अपने क्लास शुरू कर देते हैं एग्जाम के बीच में भी कर रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ कमाने से रहता है, मगर अपने को ऐसा नहीं है, अपने को है कि जिसको जिसके लिए जो है वो इतना मेहनत कर रहे हैं अगर वही पास नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। तो एग्जाम टाइम में आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आप अपना सारा डाउट पूछोगे ये दिमाग में बिठा दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। चलो अब आप आ जाओ बैंकिंग चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ।
बैंकिंग चैप्टर में जो है ना वो ये चैप्टर जो है वो इंस्टीट्यूट 6 यूनिट में बांट करके रखा हुआ है, 6 यूनिट में। आप जब सी एंड के साइट पे जाओगे तो देखोगे 6 यूनिट में चैप्टर बटा हुआ। मई 2023 में 10 मार्क्स का इस चैप्टर से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है आपके। नवंबर 2023 के लिए क्या कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 10 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नवंबर 2023 में। ओके, एंड आपको मैं बता देता हूँ एक बार कि कौन सा टॉपिक किसके सेगमेंट में आए, एक बार जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। May 18, May 2022 and November 20 and January 21 ये चार एग्जाम में सीएन स्टूडेंट ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूछा। नवंबर 18 में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग पूछा। May 19 में प्रोविजन अमाउंट एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग पूछा। फिर उसके बाद नवंबर 19 जुलाई 21 दिसंबर 21 नवंबर 22 में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैंकिंग कंपनी पूछा। उसके बाद नवंबर 19 में एक सीआरआर में भी क्वेश्चन पूछा था। Okay, and फिर May 2022 में सीएन स्टूडेंट ने एनपीए पर एक थ्योरी पूछा था। एनबीए पे तो ये टोटल हिस्ट्री है सीएन स्टूडेंट का आपके लिए, हिस्ट्री जानना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ नवंबर 2023 में आपको क्या करके जाना है, चलो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इंस्टीट्यूट 6 यूनिट में बांट कर रखा है और इतना सारा इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट खुद ही डाल कर रखा है, तो मैं भी जो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मगर उसका सॉल्यूशन भी उतना ही जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो प्रोविजन का ज्यादा क्वेश्चन है, प्रोविजन में तो आप रेट याद कर लोगे तो तुरंत हो जाएगा। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन है ना उतना ही जल्दी ये हो भी जाएगा, तो एकदम पैनिक मत होना। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा, किसी क्वेश्चन में टाइम लगे तो आप मेरे से पूछ लेना या खुद से कर लेना अगर हो जाए खुद से। तो पेज नंबर 54 में चले जाओ, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा स्क्रीन पे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1, अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको कंटिन्यू कल 6-7 का क्वेश्चन जो बताएंगे वो सारा अमाउंट ऑफ प्रोविजन वाला टॉपिक जो है ना उसके ऊपर है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 54 नंबर पेज में देखे हो ये आपको करना है। फिर 57 नंबर पेज में चले जाओ और यहाँ पर आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये आपको करना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये आपको अमाउंट ऑफ प्रोविजन या ईसीडीसी कवर एडवांस वाला है, ईसीडीसी कवर, ठीक है, ओके। तो ईसीडीसी कवर वाला क्वेश्चन है अभी जो मैं बोलूंगा, ठीक है। ये भी ईसीडीसी कवर वाला था इलस्ट्रेशन 4, एंड 58 में पेज में चले जाओ यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये भी ईसीडीसी कवर वाला है अमाउंट ऑफ प्रोविजन निकालने से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर पेज में चले जाओ माई डियर, 59 नंबर पेज में चले जाओ, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है, ये जो है ना ये भी आपका ईसीडीसी कवर से रिलेटेड है या DICGC से रिलेटेड है। आपको ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन से रिलेटेड ही लग रहा है, आपको ये करना है। और फिर उसके बाद 59 नंबर पेज में मैंने 6 नंबर बता दिया, फिर आपको 112 नंबर पेज में जाना है, 112 नंबर पेज में जाना है और वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज इम्पॉर्टेंट, देखो नीचे से दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन से रिलेटेड ही है, उतना कुछ डरने का नहीं है। और ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन से रिलेटेड ही स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन इसी के साथ खत्म होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो लास्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ प्रोविजन वाला वो ये है जो आपको करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोविजन खत्म होता है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको पीएल में कौन कौन सा करके जाना है, बैंकिंग का पीएल में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। उसके लिए आपको 92 नंबर पेज में जाना है, आपको सारा क्वेश्चन बैंकिंग का नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे टीचर 100% करके जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है उनका कहना ज्ञान के लिए सही है, मगर एग्जाम पास अगर आपको एक बार में करना है और आपको अच्छे मार्क्स से करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ट्रेंड होते हैं इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और इंस्टीट्यूट उसको मानता है, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं जो भी वीडियो बोल रहा हूँ वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप चेक कर सकते हो, सारा आपको 100% प्योर ट्रू एंड ट्रू ही दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन को करना है और आपका ये भाई आपके एग्जाम के 1 मिनट पहले तक है, आपका पूरा साथ निभाएगा, ठीक है। आप 92 नंबर पेज में आ जाओ इसी बात पे, और इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है ना ये कर लेना, ठीक है। ये पीएल पे क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन है, प्लीज इसको कर लेना, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का खास बात ये है कि अगर वो पीएल पे क्वेश्चन पूछता है तो जो फॉर्मेट है ना ये देखो, ये सब फॉर्मेट ये क्वेश्चन में सब कुछ सेम ही डाल देता है और अमाउंट बस चेंज रहता है। ये फॉर्मेट देखो, ये वही फॉर्मेट में रहेगा, वो देखना एडजस्टमेंट 2 ही डालेगा, उसमें वो बोलेगा अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजन इतना है, ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, पीवीडीडी इतना कर चुके हैं, फिर तुम्हारा नीचे जो है रिबेट का ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना कर चुके हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग इतना कर चुके हैं, उसमें एडजस्ट बताओ क्या सुधार करें, एरर ठीक करके बताओ,
तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। फिर आप 95 नंबर पेज में आ जाओ और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, आपको वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। 95 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में, ये आपको करना है। और 115 नंबर पेज में आ जाओ, 115 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा आपको, जो आपको करना है, जो लास्ट क्वेश्चन है पीएल के टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद आप आ जाइए कलेक्शन ऑफ बिल पे, एक क्वेश्चन करना है जो आपको 78 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, 78 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। और 80 नंबर पेज में आ जाइए, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, जो एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ना, ये दिख रहा है AEOO, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना है। और अगले पेज में जाओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, वो भी आपको करना है, वो भी आप ही को करना है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये आपको करना है। फिर आप आ जाइए बैलेंस शीट, सीए स्टूडेंट ने कभी पूछा नहीं है, ठीक है। मैंने बैंकिंग चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उसके साथ साथ आपको सिंगल एक और क्वेश्चन करना है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टॉपिक के ऊपर है, और वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8.37 में। जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो एक इकलौता इलस्ट्रेशन दिख रहा है, ये वाला इलस्ट्रेशन आपको करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 2023 एग्जाम के लिए, ओके। और सीए इंस्टीट्यूट जो है वो इसको ऑलरेडी अपने एग्जाम में मई 2022 एंड जनवरी 21, ये चार एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट पूछ चुका है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर, और ये इकलौता ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इकलौता क्वेश्चन है, और इसी में थोड़ा डेटा वेटा चेंज करके, अमाउंट चेंज करके इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहे टीयर वन टीयर टू वाला, आपके नवंबर 23 के लिए ये एक क्वेश्चन जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया आपको अच्छे से करना है, और फिर बैंकिंग में अच्छा मार्क्स आपका आएगा, बैंकिंग चैप्टर में जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा वो जितना मैंने बताया उसी में से आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ एनबीएफसी चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर फ्रॉम एडवांस अकाउंट्स एनबीएफसी। देखो एनबीएफसी का हिस्ट्री ये है, एनबीएफसी का इतिहास ये है कि ये 5-5 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में आता है, मगर इंस्टीट्यूट ने एनबीएफसी को नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का पूछा था, बाकी सभी अटेम्प्ट में 5-5 मार्क्स का ही पूछा है, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है, और आपको आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके चलना है, ये 5 मार्क्स का आएगा। 26 नंबर पेज में आ जाइए, और 26 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा एंड 5 दिखेगा, ये दोनों ही करना है। देखो इधर इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है, और थोड़ा आगे जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको उसके बाद वाले पेज के बाद वाले में मिलेगा या नीचे में मिलेगा, देखो इधर इधर इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है, वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर में बेस्ड है, आपको वो दोनों ही करना है, ओके। एंड आपको उसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आप आ जाओ, पेज नंबर 28 में आ जाओ वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे आ जाओ और इलस्ट्रेशन नंबर 28 में इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आना है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन बोल रहा है, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 40 नंबर पेज में चले जाओ जहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। किसी और सब्जेक्ट का भी आपको चाहिए ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के, तो वो भी हम लोग देते हैं, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको जो सब्जेक्ट चार्जेबल है उसके लिए आपको पे करना है, आपको उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हो, और जो नॉन चार्जेबल है जैसे ग्रुप 1 के अकाउंट्स एंड ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ये आपको मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ अपना लास्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर खत्म होता है। सबसे लास्ट चैप्टर कंसोलिडेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ, सबसे लास्ट चैप्टर बताने से पहले हम आपको एक बात बोल देते हैं कि कंसोलिडेशन में ट्राई करना कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जिस तरह से सॉल्व किया हुआ है ना उसी को फॉलो करने का, पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो इंस्टीट्यूट जो है वो कभी भी निर्दयता या इंस्टीट्यूट कभी भी गलत नहीं है, अगर मार्केट में कोई भी टीचर आपको बोलते हैं इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता है ये वो
बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है। अगर उसको अपने स्टडी मटेरियल के अंदर का आंसर नहीं दिखता है या बिल्कुल डिफरेंट दिखता है तो मार्क्स काटता है या मार्क्स नहीं देता है, ये भी सच बात है। अब हम आपको एक बात बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उसको फेस किया हुआ है, तो आपके लिए जानना जरूरी है, प्लीज अच्छे से सुनना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। देखो सीए इंस्टीट्यूट जो है वो थ्योरी में, जो थ्योरी है ना उसमें सीए इंस्टीट्यूट दो में से किसी एक तरीका पे आपको मार्क्स देगा, ठीक है। पहला, आप तो स्टडी मटेरियल के आंसर को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके दृष्टा मार के जाओ और उसको लिखो, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा उसमें, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मेरे पास प्रूफ है, जो आरटीए से पेपर मंगवाया हुआ, ऐसे हजारों पेपर मेरे पास प्रूफ है जो हमारे स्टूडेंट मंगवाए हुए हैं, ठीक है, वो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, पहला तरीका अगर आपको थ्योरी में मार्क्स उठाना है तो। दूसरा तरीका जो आपके लिए जानना जरूरी है और जो 90% स्टूडेंट वही फॉलो करते हैं, क्योंकि एज इट इज याद करना बहुत कम लोगों के को ऐसा माइंडसेट मिला हुआ होता है ऊपर वाले से कि वो याद कर लेते हैं, एज इट इज लर्न नहीं हो पाता है सभी से। तो आप क्या करो, अगर आपको पास होना है और एज इट इज भी लर्न नहीं हो रहा तो आपको कीवर्ड पिक करना पड़ेगा, और थ्योरी सब्जेक्ट में कीवर्ड डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो कीवर्ड का वीडियो भी हम लोग बना करके मतलब प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका थ्योरी सेव हो जाएगा, ठीक है, मतलब थ्योरी का सब्जेक्ट सेव हो जाएगा, क्या भाई आप सेफ बोल लो, सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा, कीवर्ड को अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी का आंसर आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, मगर कीवर्ड जरूर मेंशन करना पड़ेगा जो आईसीए के स्टडी मटेरियल में है। अब आप मेरे बातों को समझो अच्छे से, अगर आप एग्जाम में या तो एज इट इज नहीं लिखते हो या नहीं तो आप कीवर्ड यूज करके भी नहीं लिखते हो, खुद का आंसर पूरा बना के लिख रहे हो, जो आपके टीचर ने पढ़ाया वो आपको समझ में आया वो आप एग्जाम में लिख के आ जाते हो, मगर उसमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ना कीवर्ड यूज करते हो ना आप एज इट इज लिखते हो, तो आपको थ्योरी में मार्क्स मिलेगा जीरो, एकदम लड्डू मिलेगा, ठीक है, या आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स मिल भी जाएगा, ठीक है, मतलब चार में एक या डेढ़ ऐसे करके टीचर मार्क्स देते, कभी भी इंस्टीट्यूट के कोई भी फैकल्टी गलत नहीं होते, ठीक है, वो आपके मार्क्स बिना मतलब के नहीं काटते कि हाँ इंस्टीट्यूट फेल कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो आपके ऊपर पूरे देश का भविष्य डिपेंड करता है, आप पूरे देश के लोगों से टैक्स कलेक्ट करवा के सरकार को देते हो और सरकार उससे देश चलाता है। अगर आप ही कुछ इधर उधर का बात या फेंकने वाला काम करोगे, जैसे बीकॉम टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो मन से भी बना के लिखे तो उनको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, जैसा मेरे को भी मिला था, मगर सीए के एग्जाम में आप अगर मन ग्रहण बात करोगे वो नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के, समझ लो आप देश के दोनों आंख हो, समझ गए, आपको एग्जैक्ट होना जरूरी है। अगर एग्जैक्ट नहीं लिख सकते तो कम से कम कीवर्ड उठा के लिखो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आप जो है वो किताब पूरा, आपको किताबी ज्ञान है, ठीक है, तो आप ऐसे करके थ्योरी में मार्क्स उठा सकते हो। अब जहाँ तक प्रैक्टिकल का बात है तो प्रैक्टिकल में मैं आपको बस यही बोलूंगा कि सीए इंस्टीट्यूट के जहाँ भी आप सॉल्व करके, जहाँ भी आप पढ़ते, ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़े, ठीक है, उसमें आप देख लो कि सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का सारा चंस उन्होंने कवर करवाया कि नहीं, और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का आंसर उनके आंसर से मैच कर रहा है, ये आपका देखना फर्ज है, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर प्रिंट होगा वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देख के होगा, वो उस टीचर के मटेरियल से तो होगा नहीं। इंस्टीट्यूट का अपना कहीं कहीं अजम्पशन होता है जो टीचर वाले अजम्पशन से मैच कर नहीं रहा होता, तो आप टीचर वाला लिख के आओगे तो 90% टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, जो आपका पेपर चेक कर रहे होते वो नहीं देंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपके ट्यूशन टीचर तो पेपर चेक करेंगे नहीं, तो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के आंसर से आपको मैच करना पड़ेगा अपने आंसर को। अगर नहीं कर रहा तो आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, अगर पास करना है तो, ठीक है, मैं किसी भी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, मगर स्टूडेंट के स्टडी मटेरियल का थोड़ा रिस्पेक्ट करो और उसको मतलब मान लो कि वही भगवान है, वही खुदा है, ठीक है, वही सब कुछ है, वही उसी की वजह से आप पास होगे, प्लीज उसको फॉलो करो। और कहीं भी कोई दिक्कत होता है समझने में तो बहुत सारे टीचर फ्री में डाउट सॉल्व करते हैं, हम भी फ्री में डाउट सॉल्व करते हैं, और हम एग्जैक्ट वही बताएंगे जो सीए इंस्टीट्यूट अपने आंसर शीट में लिखना या दिखाई देना या सुनना पसंद करता है, हम आपको सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आपको लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें मुझे आपको ये बताना है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक का पूछा हुआ है पास्ट में, और मैंने जो मई 2023 में इंपॉर्टेंट बोला था वो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट बोला था मई 2023 में सीए इंस्टीट्यूट ने 15-15 मार्क्स का दो क्वेश्चन पूछा, एक कंसोलिडेटेड पीएल पर, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, टोटल 30 मार्क्स का इस चैप्टर से सम्स पूछ दिया सीए स्टूडेंट ने, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से मई 2023 में। आपके नवंबर 2023 के लिए आपको इंस्टीट्यूट
के मटेरियल से जो जो सब मैं दिखाऊंगा वो आपको करके जाना है, और आपको 10 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट करना है, मैक्सिमम 15 मार्क्स तक का आ जाए मगर 10 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में आएगा। जो दिखाएंगे आपको सिर्फ वही करना है और आपको कुछ नहीं करना है, और जो दिखाएंगे वही बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप आ जाइए 21 नंबर पेज में, आ जाइए 21 नंबर पेज में आ जाइए माय डियर, एंड आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर 2023 एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। फिर आप आ जाइए 23 नंबर पेज में आ जाइए, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, जिस इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन ही बोल रहा है, ठीक है। अब आप आ जाइए 24 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पे आपको गुडविल या सीआर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, प्लीज एंड प्लीज कर देना, ठीक है, ठीक है, गुडविल या सीआर वेरी इजी, ओके, एंड 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा तो। फिर आप आ जाइए 25 नंबर पेज में आ जाइए, ठीक है, 25 नंबर पेज में आ जाइए, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा आपको, नीचे से दिख रहा है, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है। उसके बाद आप आ जाइए सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि आपको दिखेगा पेज नंबर 28 में, आप आ जाइए 28 नंबर पेज में आ जाइए, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये आपको करना है। 29 नंबर पेज में आ जाइए, और आपको 29 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सीआर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसोलिडेटेड पीएल में कितना अमाउंट जाएगा उससे रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, प्लीज कर लेना। एंड उसके बाद आप आ जाइए सीधा कौन से पेज में, एक मिनट रुको, इलस्ट्रेशन 6 मैंने बता दिया, 49 नंबर पेज में चले जाओ, 49 नंबर पेज में चले जाओ, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहा है, तो पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना, और कोई साउथ इंडियन होगा तो उनको मैं इंग्लिश में वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा पर्सनली, प्लीज आप भी अपने डाउट को पूछने से पीछे मत हटना, ठीक है। अब आप आ जाओ 64 नंबर पेज में आ जाओ, 64 नंबर पेज में जब आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 गुडविल या सीआर से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 65 नंबर पेज में जाओगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि गुडविल या सीआर से रिलेटेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड 65 नंबर पेज में ही जब आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आप इसको कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आ जाइए, हम आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देते हैं, फाइनली ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ आपका सारे ही चैप्टर खत्म हो जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था। हम आपको लास्ट में ये बता देते हैं कि हम लोग बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस भी कंप्लीट करवाते हैं, अगर आपको अपने सिलेबस को हम लोगों के साथ कंप्लीट करने में फ्रॉम आईसीए का स्टडी मटेरियल ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग गूगल ड्राइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं विद 60% गारंटीड रिजल्ट कि आपका रिजल्ट पासिंग जरूर होगा और 60% मैचिंग इन योर एग्जाम, ठीक है, गारंटीड रिजल्ट और 60% मैचिंग इन योर एग्जाम। उसके साथ अगर थ्योरी के किसी भी सब्जेक्ट को आपको लर्न करने में दिक्कत हो तो उसके लिए हम लोग कीवर्ड वीडियो भी बनाते हैं, और एमसीक्यू केस सिनेरियो जो सी इंस्टीट्यूट पूछता है, जैसे ग्रुप 1 में टैक्स थोड़ा टफ है सॉल्व करना, तो एमसीक्यू केस सिनेरियो पर भी हम लोग सेपरेट वीडियो समझा करके पूरे एमसीक्यू केस सिनेरियो सी इंस्टीट्यूट के बुकलेट को समझाने वाला भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखेगा उस नंबर पर, ठीक है, और आपके पढ़ाई में कहीं भी कोई भी बाधा आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे समझना कि आप जो है वो मेरे से ही ट्यूशन पढ़े हो, आप ऐसे समझ के उस हक से मेरे से आप पूछना, क्योंकि आप मेरे से अगर उतने फैमिलियर नहीं होगा तो आप समझ गए हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको अपना सारा डाउट पूछना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके गुड हेल्थ के लिए, आपके एग्जाम के लिए, सभी कुछ के लिए ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप अपना पूरा 100% दो और आप अपने एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन करो, वेरी 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 ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।